नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अब तक जैसे हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट चित्रकला विषय के बारे में, तो इससे पूर्व जैसे हम चर्चा कर चुके हैं चित्रकला के तत्वों के बारे में, तो वो एक पश्चिमी सिद्धांत है। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार उसका क्या क्या एक चित्रकला के तत्व होने चाहिए, उनके बारे में चर्चा थी। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि जैसे कि एक कला का जो प्रोसेस है, ललित कला के जैसे वो अपने जैसे सृजनात्मक प्रक्रिया क्या रही है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। जिसके लिए हमने उसका जैसे बताया था ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्षीकरण, इमेजिनेशन आदि के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज जैसे हम चर्चा करेंगे कि भारतीय दर्शन में, भारतीय विद्वान जो भारतीय धर्म जो शास्त्र थे उनके बारे में, चित्रकला के बारे में क्या वर्णन है कि एक चित्र के निर्माण के लिए किन किन किस किन किन जैसे आवश्यकता होती है, किन किन रूप, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी क्या नाप है, उसका किस तरह का होना चाहिए, चित्र के निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके यानी कि नियम कानून क्या उसके व्यवस्थाएं होती है। तो उस चित्र के बारे में अनेक जैसे हमारे भारतीय भारत में जैसे चित्रलक्षण है, शिल्प शास्त्र है, कामसूत्र है आदि है, तो इनके अंदर चित्रकला के बारे में क्या क्या वर्णन है। तो ये है भारतीय चित्रकला के षडंग, जिन्हें कहते हैं सिक्स लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट, यानी भारतीय चित्रकला के मुख्य अंग, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में जैसे कहा गया कि मानव समाज के मध्य जैसे चित्रकला का प्रचलन आदिकाल से ही रहा है, और आदमी जब गुफाओं में निवास करता है तब भी वह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए भित्तियों पर चित्रण किया करता था। और चित्रकला के जो विकास की कहानी है वो मानव के विकास की कहानी से ही जुड़ी हुई है। जो जो मानव विकसित होता गया उसी तरह से कला का भी विकास होता गया। उसी प्रकार जैसे विश्व की प्रत्येक जागरूक सभ्य जाति ने चित्रकला के विकास में योगदान किया है, यानी कि प्रकृति के सूक्ष्म उपादानों का चित्रण यदि सर्वप्रथम चीन के कलाकारों द्वारा किया गया तो ग्रीक शिल्पियों ने मनुष्य के शारीरिक सौंदर्य तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति प्रथम बार की, तो रोम के कलाकारों ने जीवन की सर्वव्यापी करुणा को अपनी कला द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया, तो रचनाधर्मी भारतीय कलाकारों ने भी प्रथम बार आदि दैविक शक्तियों, धर्म तथा सौंदर्य को प्रथम बार अपनी कला का विषय बनाया। और कला का आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से समर्थ समन्वित स्वरूप अगर कहीं मिलता है तो वह है भारतीय कला में ही मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ये ध्यान देने की बात है कि कला का जो आध्यात्मिक है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से समर्थ समन्वित स्वरूप अगर कहीं मिलता है तो वो है हमारी भारतीय कला में मिलता है और अन्य कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ जैसे भारतीय विचारधारा के अनुसार ललित कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत एवं नृत्य कला आदि पांच कलाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है, किंतु अपने ओज, माधुर्य, सौंदर्य तथा सजीवता के कारण चित्रकला को भारत में प्राचीन काल से ही अन्य कलाओं की तुलना में श्रेष्ठ एवं शोभामय स्वीकार किया गया है। जिसके बारे में जैसे हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथम चेतद्ग्रह्य यतः प्रतिष्ठितम्। चित्रकला के सृजन से संबंधित अनेक सूत्र भारतीय शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं और उनके अनुसार चित्रकला में चित्रकार की संवेदनशील मानसिक स्थिति, विशिष्ट अभिव्यंजना शक्ति तथा लोक कल्याण की भावना का पर्याप्त महत्व रहा है हमारे यहाँ। दूसरा, चित्रकला में विषय का उतना महत्व नहीं होता जितना होता है चित्रण पक्ष का, और चित्र रचना में चित्रकार की सृजनात्मक शक्ति मुखर हो सके इस हेतु भारतीय लक्षण ग्रंथों में अनेक बातें कही गई हैं, जिनमें ये चित्र जिनमें है चित्र लक्षण है, शिल्प शास्त्र है तथा कामसूत्र आदि। और वात्स्यायन कृत कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है हमारे यहाँ पे, और कामसूत्र का चतुर्थ अध्याय आलेख्यम अर्थात चित्रकला पर ही आधारित किया गया है, जिसका
मूल ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध होता है। और उसके बारे में जैसे अर्थात चित्र आधारित किया गया है, जिसके अंतर्गत चित्रकला के 6 अंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। और मूल ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध होता है, जिसका रचना काल 2री अथवा 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। और इस ग्रंथ के जो टीकाकार है यशोधर पंडित हैं, जिन्होंने इस टीका को जय मंगला नाम दिया। और ये जयपुर के जो राजा मानस जयसिंह प्रथम के दरबार के प्रकांड विद्वान भी माने जाते थे। और राजा जयसिंह का समय जैसे 11वीं से 12वीं शताब्दी से होने से इस टीका का समय भी यही स्थिर किया जाना चाहिए। यानी कि जयपुर भारतीय चित्रकला का एक प्राचीन केंद्र रहा है एक तरह से। और अतः ये निश्चित है कि यशोधर पंडित को भी कामसूत्र में वर्णित चित्रकला के इन षडंगों का ज्ञान पहले से ही रहा होगा। अतः उन्होंने कामसूत्र के 3रे अध्याय की टीका करते हुए आलेख्यम यानी चित्रकला के 6 अंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। और ये जो 6 अंग हैं, ये है जैसे प्रथम है रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, और तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना, पांचवा सादृश्य, और छठा बोलते हैं वर्णिका भंग। और कामसूत्र में इन 6 अंगों को एक दोहे के रूप में भी निबद्ध किया गया, जो इस प्रकार है कि रूप भेदाः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंग कम। अर्थात यानी कि भारतीय जो चित्रकला में इन षडंगों का पालन अति आवश्यक समझा जाता था। यानी जो भारतीय चित्रकला है उन चित्रकला में इन जो षडंग हैं यानी कि जो चित्रकला के जो अंग है, जिनको अंग भी कहते हैं, भारतीय चित्रकला के जो मुख्य अंग हैं, इनका विशेष महत्व था। और इन अंगों का शक्ति से मतलब पालन किया जाता था, इनको अति आवश्यक माना जाता था। यथा जैसे अजंता है बाघ आदि गुफा चित्रों में इन षडंगों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। और वस्तुतः ये भारतीय शिल्प के षडंग है और शिल्प का विषय बहुत व्यापक माना गया है। उसके अलावा जैसे व्यापक माना गया है तो उसके अलावा जैसे यहाँ पे कामसूत्र के जो टीकाकार की व्याख्या के अनुसार भी आलेख्य तथा चित्रगुण एक ही है, और उनके द्वारा वर्णित चित्रकला के 6 अंगों का परस्पर बड़ा गहरा संबंध है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मानव देह को समझने के लिए, यहाँ पे ये उनको ध्यान देने की बात है कि जो आलेख्य है, तो हमारे यहाँ पे जो चित्रकला को या चित्र कोरने को या चित्र बनाने को आलेख्य शब्द, उसके लिए आलेख्य शब्द प्रयोग किया जाता था। तो इस आलेख्य तथा चित्र के गुण एक ही हैं और उनके द्वारा वर्णित चित्रकला 6 अंगों का परस्पर बड़ा गहरा संबंध है। जिस प्रकार वो कहते हैं कि जिस प्रकार मानव देह है यानी मानव जो शरीर है उसके देह को समझने के लिए अंगों की जानकारी होती है, उसी प्रकार चित्रकला का ज्ञान हासिल करने के लिए भी उसके 6 अंगों के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। यानी कि जो चित्रकला के अंग है, यानी कि भारतीय जो कला के अंग है यानी कि षडंग, तो उनके बारे में जान लेना आवश्यक है। और चित्रकला के जो षडंगों की उक्त परिभाषा, जैसे मैंने पूर्व में चर्चा करी, तो वो क्या है कि चित्रकला षडंगों की उक्त परिभाषा यद्यपि 11वीं शताब्दी में की गई थी, किंतु भारतीय चित्रों के संदर्भ में यह तब भी अनुकूल थी और आज भी अनुकूल है। और यशोधर पंडित ने उक्त सूत्र के चित्रक में जिन षडंगों की चर्चा की है, जैसे इनके बारे में बताया था ना पूर्व में भी कि रूप भेदा प्रमाणानि, पहला है रूप भेदा, दूसरा प्रमाणानि, चौथा तीसरा भाव लावण्य योजनम, चौथा सादृश्य वर्णिका भंग यानी कि सादृश्य, और पांचवा वर्णिका, और छठा है जैसे
भंग या भंगिमा। तो ये जो महत्वपूर्ण ये जो अंग हैं, इन अंगों के बारे में हम अलग से एक एक टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे वाले उसमें, इससे आगे जैसे जो भी हम जैसे। तो पहला इसका जो टॉपिक है रूप भेदा, तो इसके ऊपर हम आगे अगले वाले उसमें लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।